दोस्तों मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है FSH, ये FSH हार्मोन क्यों बढ़ता है, उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। तो आप सब जान लो कि FSH एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर, अगर आप फोटो दिखाऊं आपको तो ये हमारे ब्रेन के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से कि हार्मोन FSH और LH दोनों हार्मोन निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन पेट के अंदर ओवरी के अंदर जाके काम करते हैं। इस FSH हार्मोन का काम होता है कि ओवरी को स्टिमुलेट करके और एग फॉर्मेशन को प्रमोट करना। तो अगर कई वजहों से FSH बढ़ सकता है, सबसे पहला कारण होगा अगर किसी वजह से ओवरी के अंदर एग नहीं बनेगा तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड ये सेंस करेगा कि एग नहीं बन रहा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH की और ज़्यादा मात्रा बनाएगा। जैसे पहले बता चुका हूँ कि FSH हार्मोन ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो जब ओवरी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH बनता है, इसी के कारण ओवरी से एग बनता है और रिलीज होता है। तो जब भी किसी ओवरी के अंदर कोई बीमारी हो, जैसे कि ओवरी के अंदर एग खत्म हो जाए, वायरस की वजह से ओवरी डैमेज हो जाए, या कंडीशन कराते प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, माने ओवरी के अंदर सारे एग डेड हो जाए, उसके अंदर हार्मोन बनाने की कैपेसिटी, जो ईस्ट्रोजन बनता है ओवरी के अंदर, वो कैपेसिटी खत्म हो जाए ड्यू टू ऑटोइम्यून डैमेज टू ओवरी। क्या होता है कि बीमारी होती कि इम्यून सेल्स बॉडी के ओवरी को डैमेज कर देते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोइम्यून ओवेरियन फेल्योर। या फोर्थ कारण होता है कि किसी किसी के ओवरी के अंदर क्रोमोसोम या जीन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली ओवरी जो है 40 या 50 साल तक काम करती है, पर उस जीन डिफेक्ट की वजह से उस समय से पहले ओवरी का फंक्शन खत्म हो जाता है ड्यू टू जीन डिफेक्ट, क्रोमोसोम डिफेक्ट की वजह से। तो पहला कारण किसी वजह से और ओवरी काम नहीं करेगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में FSH ज़्यादा बनाएगा। सेकेंड कारण होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर FSH बनाने वाला कोई ट्यूमर हो, जिसके वजह से FSH ज़्यादा हार्मोन बनेगा। थर्ड कारण क्या होता है कि वेमेन के अंदर, मैं पहले बोला कि FSH हार्मोन एक फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है, तो नॉर्मली FSH हार्मोन टेस्ट किया जाता है बिटवीन सेकेंड टू सेवन डे पीरियड के, और पीरियड टाइम पर आ रहे तो, और किसी पीरियड कई महीने से नहीं आ रहे, लेट आ रहे हैं, तो इवन आफ्टर वन मंथ में चेक किया जाता है। तो जब भी अगर आप पीरियड आने के 10 दिन बाद चेक करोगे तो ओवरी नॉर्मली क्या होता है कि FSH बनाता जाता है, अल्टीमेटली जब FSH मात्रा और LH हार्मोन दोनों की मात्रा जो ज़्यादा बढ़ती है तो 14 डे के आसपास एक रिलीज होता है। तो अगर आप पीरियड के 10वें से 16 दिन बीच करोगे तो FSH की मात्रा बड़ी मिल सकती है। फोर्थ कारण होता है कि कभी कभी ब्लड टेस्टिंग के दौरान वेमेन के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन हो सकते हैं जो FSH टेस्टिंग में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से FSH है ब्लड नॉर्मल, बस उस एंटीबॉडी प्रोटीन इंटरफेरेंस की वजह से रिपोर्ट में हाई दिखेगा। रियल में ब्लड हाई नहीं रहेगा पर रिपोर्ट में हाई दिखेगा, उसे बोलते हैं हाई FSH ड्यू टू इंटरफेरेंस इन द टेस्टिंग। ऐसा करीब 100 में से या 200 में से एक औरतों के अंदर होता है। इसके जब दोबारा हम किसी अदर लैब से क्रॉस चेक करते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है। अब जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में हाई FSH का कारण क्या है, तो उसके लिए कुछ और हार्मोन चेक करते हैं हम लोग कि अगर किसी को हाई FSH है और उसके साथ साथ उसका ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन लो है, इसके अंदर मोस्ट लाइकली उस वेमेन के अंदर ओवरी फंक्शन बंद हो गया है, ओवरी काम नहीं कर रही है,
अगर ये कंडीशन 35 साल से पहले और हो जाता है तो इसे बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर। अगर ये इसको और बोलते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज भी कह सकते हैं आप इसको, यानी ओवरी फंक्शन खत्म हो गया 35 से पहले, और किसी का एज 40-35 के बाद है एज है, और एफएसएच हार्मोन हाई है और फीमेल हार्मोन स्टैडियल लो है, इसके अंदर मोस्ट लाइकली उसका मेनोपॉज होने वाला है, और पीरियड नहीं आ रहा था मेनोपॉज हो चुका है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि मेनोपॉज है या नहीं है तो उसके लिए हार्मोन होता है AMH, उसे बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। AMH हार्मोन चेक करते हैं, अगर किसी का AMH भी लो आ रहा, बिलो 0.5 आ रहा और FSH हाई आ रहा और फीमेल हार्मोन स्टैडियल लो आ रहा, इसका तो उस वेमेन का ओवरी फंक्शन डाउन हो गया है, ओवरी काम नहीं कर रही है, और इस कंडीशन बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर। उसके लिए कुछ फर्दर टेस्ट करते हैं हम लोग, फिर एंटी ओवेरियन एंटीबॉडी चेक करते हैं, कैरियोटाइप जीन्स चेक करते हैं, ये जानने के लिए क्या कारण है, बेस्ड ऑन दैट अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हमें डाउट होता है कि पिट्यूटरी में ब्रेन में ट्यूमर, तो पिट्यूटरी का MRI करते हैं, और डाउट होता है कि इसका एंटीबॉडी इंटरफेरेंस कर रहा तो हम उसके लिए फिर दोबारा अदर लैब से टेस्ट करते हैं, और डाउट होता है कि कैरियोटाइप डिफेक्ट है तो फिर क्रोमोसोम जीन की स्टडी करते हैं, बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा कि FSH क्यों बढ़ता है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो शेयर कर सकते हैं, धन्यवाद। तो भाई आपको दो टेस्ट करना है, AMH स्टार्ट करके बताओ तो फिर देखेंगे क्या करना है।